अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीलॉग। कैसे हैं सब? प्रिय से हैं, ठीक ठाक हैं, मज़े में। आज के वीलॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा बहावलपुर से इस्लामाबाद। जी हाँ, आज का मेरा सफ़र होगा कैपिटल की तरफ। तो पहले मैंने सोचा कि मैं जाऊँ बाई ट्रेन, लेकिन मैंने प्रेफर किया बस पे जाने को, क्योंकि कंपनीज अब काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए कॉम्पिटिशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लिहाजा जितनी भी बस कंपनीज हैं वो अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो टिकट मैंने रात को ले लिया था, तो अभी मैं निकलता हूँ बस टर्मिनल की तरफ। शदीद धूप और शदीद गर्मी है, टाइम निकल रहा है और मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। ये मेन रेलवे लाइन है जो कराची से आती है और लाहौर इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान में। ये जो रोड आपको नज़र आ रही है ये आपको ले जाती है जनाब कराची, रहीम यार खान सकर हैदराबाद से होते हुए। ये मैं अभी दरियाए सतलज क्रॉस कर रहा हूँ और ये जो दरिया है ये आता है बहावलपुर और लोधरा के बिल्कुल दरमियान में, यानी कि बहावलपुर से लोधरा का जो डिस्टेंस है वो 15 से 20 किलोमीटर है और दरमियान में बस ये दरिया है। इस साइड पे बहावलपुर है, इस साइड पे लोधरा है और दरिया में आप देख सकते हैं पानी जो है बिल्कुल थोड़ा है, वो भी अभी जो बारिशें हुई हैं रिसेंटली उनकी वजह से थोड़ा सा पानी है। बाकी इसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास नहीं है क्योंकि सिंध तास माहिदा जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके तहत ये इंडिया के हिस्से में था। अभी मैं पहुंच गया हूं मुल्तान और यहां पे मुल्तान टर्मिनल पे तकरीबन इसका बस का स्टे होगा 10 से 15 मिनट का और उसके बाद ये फिर मूव करेगी इस्लामाबाद की तरफ। ये एक मिनी सर्विस एरिया है और ये तकरीबन है फैसलाबाद से थोड़ा पीछे गोजरा और टोबा में। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे, यहाँ पे मैंने ली जनाब चाय, लेकिन चाय जो थी बिल्कुल ही बेकार और फजूल किस्म की चाय थी जो कि मुझे ज़ाया करनी पड़ी थी। फिर यहाँ से मैं गुजरा हूँ अपने शहर फैसलाबाद से और ये फैसलाबाद जो है ये तकरीबन आधा सफ़र यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है। और ये जो नीचे रोड नज़र आ रही है ये आपको सीधी शहर में ले जाती है फैसलाबाद।
ये भेरा सर्विस एरिया है और यहाँ पे जो है ना ये मेन स्टॉप होता है यहाँ पे। यहाँ से अब तकरीबन सफ़र जो है वो रह गया 2 घंटे का इंशाल्लाह। आज इतना रश नहीं है, सिर्फ 2 बसेस खड़ी हैं यहाँ पे। रश है लेकिन वो है दूसरी साइड पे, बसेस वाली साइड पे आज रश नहीं है। दूसरी साइड पे तो हमेशा की तरह दिन रात जब भी और रश, अच्छा खासा रश, ठीक ठाक रश होता है। ये एम टैग फैसिलिटेशन बूथ यहाँ पे बने हुए हैं। अगर आपने नई रजिस्ट्रेशन करवानी है या एम टैग रिचार्ज करवाना है तो आप यहाँ से इजीली करवा सकते हैं।